फाइनली जो है ना वो हम मोहत्ता पैलेस के करीब पहुंच गए हैं, जो मैंने बताया था कि हम इस वक्त मोहत्ता पैलेस जाने का प्लान कर रहे थे। और बस यहाँ से कुछ ही दूरी पर हमारा डेस्टिनेशन है और फिर बाकी मजीद डिटेल जो है मैं अंदर जाके बताऊंगा। सो फाइनली हियर कलर्स ऑफ रेनबो, कायद आज़म खड़े हुए हैं और ये जो आपको खूबसूरत सा टॉम टाइप जो नज़र आ रही है एक चीज़, दिस इज़ द मोहत्ता पैलेस। और भाई ये है म्यूज़ियम, मोहत्ता पैलेस म्यूज़ियम। मैं अभी मजीद अंदर की वीडियो आपको दिखाता हूँ। हम पार्किंग में पहले गाड़ी लगाते हैं और फिर अंदर की वीडियो भी बनाते हैं। फाइनली मोहत्ता पैलेस पहुंच गए हैं हम और ये मोहत्ता पैलेस और यहाँ पे ट्यूसडे टू संडे, ठीक है, वो ओपन है ट्यूसडे और मंडे क्लोज्ड है। तो पहली इन्फॉर्मेशन क्या है कि मंडे के दिन मोहत्ता पैलेस आने की ज़रूरत नहीं है, काम पे जाओ तुम लोग सब, ठीक है। तो आओ अभी हम आ गए हैं मोहत्ता पैलेस के गार्डन में। ये मोहत्ता पैलेस के गार्डन है और वो अंदर के जो नज़ारे हैं जो रैम्बो से वो बाद में दिखाएंगे। ये हैं थोड़ी सी रैम्प्स और मैं थोड़ी रैम्प वॉक करके दिखाऊंगा। थ्री टू वन मोहत्ता पैलेस, मैं नहीं बोलने वाला वो जो तुम लोग सोच रहे हो। तो आज का प्लान ये है कि आपने देखा कि हम मोहत्ता पैलेस आए हैं। मोहत्ता पैलेस कराची में ही वाकई है, क्लिफ्टन में अब्दुल गाजी के मज़ार से एक दो गलियां पीछे करीब में। अब सेकंड चीज़ जो है वो बताने वाली बात ये कि अब हम मोहत्ता पैलेस के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। मोहत्ता पैलेस बेसिकली जो मारोड़ा राजस्थान के एक मशहूर जो है वो ताजिर थे, उन्होंने जो है वो जो मुस्लिम हिंदुस्तान में जो मुस्लिम आर्किटेक्चर बने पहले अहमद हुसैन आगा, उन्होंने उनको राजस्थान से या कराची बुलाया और कहा कि भाई कोई ऐसी बिल्डिंग यहाँ पे डिज़ाइन करो। तो उन्होंने मोहत्ता पैलेस डिज़ाइन किया। मजीद डिटेल में कौन से पत्थर लगे हैं, कौन सा मार्बल लगा है, क्या चीज़ है, इतनी नॉलेज तो नहीं है मेरे पास, लेकिन जितना है उतना मैं थोड़ा सा आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। तो मोहत्ता पैलेस के बारे में मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँ। वो इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि सबसे पहले 1927 में इसको डिज़ाइन किया गया और उसके बाद बीच की जो स्टोरी है उसको हम स्किप करते हैं। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ उसके बाद मोहत्ता पैलेस को पहला दफ्तर खारजा बनाया गया और उसके आज़ादी के बाद जो है उनको मोहतरमा फातिमा जिना के हवाले कर दिया गया। जब दफ्तर खारजा यहाँ से इस्लामाबाद शिफ्ट हो गया उसके बाद तो फिर मोहतरमा फातिमा जिना की रिहाइशगाह बनाया गया और वो इसमें काफ़ी टाइम तक रहती, अपनी वफ़ात तक वो इसमें रहती रहीं और उन्होंने अपनी ज़िंदगी तकरीबन पूरी यहीं पर गुजारी। और उसके बाद की जो था जो उनकी जो आई थिंक शेर भाई इनका जो नाम था उसके बाद इनको उनके हवाले कर दिया गया। फिर उसके बाद जो है इसको पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसने इसको दोबारा रेनोवेट कराया 1995 में, आई थिंक रेनोवेट करवाया। और 1999 में यहाँ पर जो तालपुर हुक्मरान थे उन्होंने बहुत अच्छे से इसका इफ्तिताह करके इस पूरी बिल्डिंग को रेनोवेट भी किया। तो ये थी यहाँ की बस अब तक की स्टोरी और हम इस वक्त 2022 में यहाँ पर आपको ये एक्सप्लोर करके दिखा रहे हैं। और अभी तक जो बाहर की स्टोरीज थी या जो चीज़ थी वो मैंने दिखाई, अब हम चलते हैं मोहत्ता पैलेस के अंदर और मोहत्ता पैलेस में अंदर जाके आपको दिखाते हैं कि बेसिकली उनकी रिहाइश और उनके तमाम मामला किस तरह के थे, किस तरह से यहाँ पे अपने जो रिहाइश पजीर थी उन्होंने किस तरह करा। तो मजीद वीडियो को लंबी नहीं करते क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी, हम चलते हैं अंदर। चलें लंबी नहीं करते। पुरानी स्टोरीज की चीज़ें थी कुछ यहाँ पर उन्होंने तस्वीरें लगाई हैं और ये इसका लेफ्ट साइड गेट है आई थिंक। पानी की भाई अंदर तो सीन यही था कि अंदर जो है वो बेसिकली जब स्टार्ट लिया तो अंदर अलाउ नहीं था उनको मोबाइल यूज़ करना। तो बहुत वेल मैनेज, बहुत डिसिप्लिन, बहुत मैनर्स, बहुत ही ज़्यादा मतलब यानी कि वेल डिसिप्लिन लोग मुझे अंदर मिले और उन्होंने बहुत अच्छे से जो है वो
सारी चीज़ें वो अच्छे से उन्होंने हमारे साथ जो है ना अच्छा सा कॉर्पोरेट किया। दे सेट के जो है वो कॉर्पोरेशन के हिसाब से आपको अपना मोबाइल हमारे पास सबमिट कराना पड़ेगा, तो अंदर की जो चीज़ें थी वो उसको हम नहीं कैप्चर कर सके क्योंकि उनको उन्होंने हमें अलाउ नहीं किया। बाकी मैं ये कहूँगा कि बहुत ही वेल मैनेज जगह है, बहुत ही डिसिप्लिन वाली जगह है, बहुत छोटी जगह है और इजीली आप आ सकते हो। और ऊपर हमें जो उनके लोग मिले वो बहुत अच्छे मिले, उन्होंने बहुत अच्छे से गाइड किया हर चीज़ के बारे में, हर चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से बताया, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। ऊपर नादिर मिला हमें, नादिर सिद्दीकी, और उसने बहुत अच्छे से गाइड किया, तो बहुत अच्छी जगह है। मैंने तो अकेले ही घूम के इतना इन्जॉयमेंट किया, तो आप लोगों को कभी अगर शॉर्ट ट्रिप करना हो, कोई छोटा सी जगह देखनी हो, और अंदर जो है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि उसमें गंधारा के बारे में इन्फॉर्मेशन दी, पूरे इंटीरियर सिंध के बारे में इन्फॉर्मेशन दी और राजस्थान से रिलेटेड बहुत ज़्यादा चीज़ें उन्होंने लगाई हैं। गैलरी 1, गैलरी 2, गैलरी 3 उन्होंने इस तरीके से उसको डिवाइड किया हुआ और उन चीज़ों में बहुत पुरानी पुरानी राजस्थान की चीज़ें उन्होंने रखी हैं। आउटफिटर अच्छा, अब सिनेरियो कुछ ये है कि मोहत्ता पैलेस का जो अंदर का सीन था वो तो मैंने आपको बता दिया सारा। अंदर उन्होंने वीडियोस का अलाउ नहीं किया थोड़ा सा, लेकिन बाहर बहुत अच्छा एनवायरनमेंट रहा। ये पूरा पीछे आपको मोहत्ता पैलेस नज़र आ रहा होगा। और यहाँ पर क्या सीन है कि यहाँ पर अंदर का डिसिप्लिन बहुत अच्छा था, सब चीज़ें बहुत अच्छी थी, लेकिन अब जो प्लान है वो हम देखने आए। यहाँ पर उन्होंने कुछ मोर वगैरह भी रखे हुए हैं, कुछ आला नस्ल के कुछ परिंदे भी रखे हुए हैं और अंदर का डिसिप्लिन भी यार बहुत अच्छा था। मैं बार बार वीडियो में बोल रहा हूँ अंदर का डिसिप्लिन भी अच्छा था, तो मैं कुछ मोर दिखाता हूँ। कुछ मोर यहाँ पे एक पेयर है, यहाँ पे एक कलरफुल है और एक जो है वो थोड़ा सा ये है कलरफुल, और वो आई थिंक मेल फीमेल का कुछ चक्कर होता है, मुझे नहीं पता, मैंने इतना मोर के बारे में नहीं देखा। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको चलता हूँ एक और सिनेरियो दिखाता हूँ। एक पेयर ये है वाइट मोर, ये वाइट बिल्कुल वाइट है, ये मैं कैसे दिखाऊँ आपको, ये नज़र आ रहा है आपको, ये एक वाइट मोर है बिल्कुल, और ये भी पेयर है माशाल्लाह, लेकिन अभी पता नहीं पर अपने खोलेंगे नहीं खोलेंगे, मैं इसको दिखाता हूँ आपको अभी दूर पीछे वीडियो में करके। तो ये वाला जो है ना आप पेयर देखें, ये पेयर है यहाँ पे एक मोहत्ता पैलेस में, ये वाइट। चलो भाई मोर थोड़े से पर तो अपने वो कर दो, क्या करते हैं वो फैला दो अपने पर। बहुत ही यार खूबसूरत जगह, बहुत ही ज़बरदस्त, और वो एक छोटा सा वो उसके ऊपर वो रहा। अब हम चलते हैं दूसरे पिंजरे की जानिब, एक के जेरा और इसमें एक कलरफुल है। आई थिंक कैमरा ब्लर हो रहा है और यहाँ से नज़र आ जाएगा आपको एक बोरा कलरफुल सा। चलो मोर अपने पर फैलाओ बेटा लेकिन ये हमारी बात नहीं सुनने वाले। इतना खूबसूरत सा हेलो मोरनी भाई यहाँ पर जो है वो ये हैं खूबसूरत सी मोरनी और इनको हम हाथ लगा दें शायद ये काट नहीं लेना बाबू, और वो रही इनकी आई थिंक धर्मपत्नी, बट वो ब्लर हो रही है हमें इसी वजह से। लेकिन इसको देखो ये कितना खूबसूरत है, चीज़ें तो उन्होंने बहुत अच्छी रखी हुई हैं। चलो पीछों के दिखाओ, चलो तो हम अब चलते हैं मोहत्ता पैलेस की जानिब वापस। जो है वो मोहत्ता पैलेस का व्लॉग मैं कर रहा हूँ इख्तिताम, और जो इन्फॉर्मेशन मैं दे सकता था मैंने आपको बताई, और मैंने बताया कि अंदर कैमरा अलाउ नहीं, तो बस यही एक वजह है, बाकी कुछ नहीं। बाकी डिसिप्लिन बहुत अच्छा था, चीज़ें बहुत अच्छी थी, सब चीज़ें बहुत अच्छी थी। तो अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त और खुदा हाफिज़, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, और नेक्स्ट इस तरह की कोई और इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल वीडियो में बहुत जल्द डालने वाला हूँ। तो आज मोहत्ता पैलेस के लिए आप लोग का थम्स अप, लाइक चाहिए, और डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन एज वेल। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।